दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें सीजी टेक चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद यहां पर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, सी टेक में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपेंद्र कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 मोबाइल के बारे में जो अंडर 15,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 5 के मोबाइल के बारे में बात करते हैं। नंबर 5 पे है हमारा Redmi Note 10S। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.43 इंच का डॉट एमोलेड डिस्प्ले है जो 16 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। ये हैंडसेट 4G है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G95 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। रैम इसमें दो वेरिएंट में है, 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट में आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें मेन कैमरा में 64822 का क्वाड कैमरा लगा हुआ है और इसमें फ्रंट कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh के साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें 12 नैनो सिम स्लॉट के साथ में एक microSD कार्ड लगा सकते हैं। इस हैंडसेट में डुअल स्टूडियो स्पीकर का भी फीचर दिया हुआ है, जिसके कारण साउंड आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें फिंगरप्रिंट जो है वो राइट हैंड साइड बटन पे दिया हुआ है। इस हैंडसेट का जो प्राइस है 6GB रैम वेरिएंट के साथ में 12,999 रुपये है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है Samsung Galaxy M32। ये 4GB रैम 64GB और 6GB रैम 128GB दो वेरिएंट में आता है। इसका जो प्राइस है वो 4GB वेरिएंट का 14,999 रुपये है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो 19Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, और यहां पर एंड्रॉयड वर्जन 11 आपको मिलता है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपका मेन कैमरा जो है वो क्वाड कैमरा सेटअप के रूप में मिल जाता है, जहाँ पर 64822 मेगापिक्सल आपको मिलता है, और आपका फ्रंट कैमरा जो है वो 20 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 6000mAh का बैटरी है, और यहाँ पर आपको 15W का चार्जर मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट के साथ में आपको ये हैंडसेट मिलता है। सिम स्लॉट की बात करें तो यहाँ पर 2 नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। इस हैंडसेट पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, वो आपको राइट हैंड साइड पावर बटन पर ही मिलेगा। तीसरे नंबर पे है Realme Narzo 50। ये 4G हैंडसेट है। इसमें दो वेरिएंट आता है, 4GB रैम और 6GB रैम। 4GB रैम का जो प्राइस है वो 12,999 रुपये है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये Android 11 वर्जन के साथ में आता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है। 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में ये आता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्टा कोर MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है। ये हैंडसेट एक गेमिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपका मेन कैमरा जो है वो 50MP, 2MP और 2MP का आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है वो 60MP का मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 33W का डॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में 5000mAh का बैटरी मिलता है। बॉक्स के अंदर में 33W का भी चार्जर आपको मिल जाता है। हैंडसेट के डाउन साइड पे स्पीकर, USB टाइप सी पोर्ट, माइक और 3.5mm का ऑडियो जैक का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरे नंबर पे है Vivo का T144W। ये भी एक 4G हैंडसेट है। इसमें 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम तीन वेरिएंट आता है, जिसमें 4GB रैम का जो वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 14,499 रुपये है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.44 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आता है, और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 12। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट प्रोसेसर आपको मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 50MP+2MP+2MP का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा मिल जाता है।
वहीं पर 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में 5000mAh का आपको बैटरी मिल जाता है। मोबाइल के डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm का ऑडियो जैक का ऑप्शन मिल जाता है और एक माइक मिल जाता है। और टॉप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और माइक का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर है हमारा IQ Z6 5G हैंडसेट। ये एक 5G हैंडसेट है, इसमें 3 वेरिएंट आता है, 4GB रैम के साथ में, 6GB रैम के साथ में और 8GB रैम के साथ में। 4GB रैम के साथ में जो वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 14,999 रुपये है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और इसमें एंड्रॉयड वर्जन है वो है 12। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट प्रोसेसर है, जो बाकी जितने भी मोबाइल बताए उससे काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस के साथ में 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा है और इसके साथ में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में 5000mAh का आपको बैटरी मिल जाता है। मोबाइल के डाउन साइड में पोर्ट्स की बात करें तो स्पीकर आउटपुट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाएगा, 3.5mm का ऑडियो जैक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और प्राइमरी माइक्रोफोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मोबाइल के टॉप साइड में देखेंगे तो डुअल नैनो सिम स्लॉट, जिसमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी माइक्रोफोन का भी ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन इस हैंडसेट पे देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर भी आपको राइट साइड में पावर बटन के साथ में ही आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं सभी मोबाइल का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप बेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको मोबाइल किस पर्पज़ के लिए चाहिए, आपको कैमरा के लिए चाहिए, फ़ोटो खींचने के लिए चाहिए या फिर गेमिंग के लिए चाहिए, आपको किस पर्पज़ के लिए मोबाइल चाहिए, सबसे पहले वो चीज़ आपको जान लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल सेलेक्ट करने में आसानी होगा। आई होप दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।